अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि रीफ्रेजिंग कैसे करते हैं और अपने टेक्स्ट में से प्लेजरिज्म को रिमूव कैसे करते हैं। बहुत ज़रा तालब इलम जो कॉपी टेक्स्ट करते हैं और अपनी असाइनमेंट जमा करवाते हैं, या स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर राइट अप करते हैं, तो लोगों के जो टेक्स्ट हैं उनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके टेक्स्ट के अंदर, उनके रिसर्च आर्टिकल के अंदर प्लेजरिज्म आ जाता है। जब प्लेजरिज्म आ जाता है तो उनके ऑब्वियसली मार्क्स वगैरह कम हो जाते हैं, या उनका पेपर जो है वो किसी जर्नल के अंदर या कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो पेपर जो है वो हाईली प्रेजराइज होता है। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि आप अपने पेपर में से जो प्लेजरिज्म है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्लेजरिज्म को टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, और जो आपका पेपर है इसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, गौर से देखिएगा, और इसको एक से ज़्यादा बार रिपीट करके देखिएगा, और ताकि आपको पता चल सके कि प्लेजरिज्म जो है वो चेक कैसे करते हैं, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और हम अच्छा पेपर राइट अप कैसे कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो है एक पेपर है, एक आर्टिकल है, वो आपको नज़र आ रहा है। मैं इसका एक टेक्स्ट जो है, इसका एक पैराग्राफ है, तो सपोज करें कि आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं एक आर्टिकल का एक पैराग्राफ, और ये आप समझते हैं कि ये पैराग्राफ जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है और आपके आर्टिकल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप अपने पेपर के अंदर शामिल करना चाहते हैं। तो एज इट इज़ अगर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म के अंदर आ जाएगा। अब हमने इसको रीफ्रेज करना है, अपने अल्फाज के अंदर लिखना है, या हमने इसके अल्फाज चेंज करने हैं, जो ये बात कह रहा है हमने अपने अंदाज में लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखनी है, तो ये चीज़ जो काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसी काम को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, आपने इस जो टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है, सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास पैराग्राफ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़ जो है यहाँ से। इस पैरे को आप किसी वर्ड की फाइल के अंदर ले जाएं या नोटपैड के अंदर ले जाएं, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर ये आपके पास रेफरेंसिंग लगी हुई नज़र आ रही है आपके पास, हम इस रेफरेंसिंग को डिलीट कर देंगे और इसकी जगह पर यही पेपर अपनी रेफरेंसिंग स्टाइल के अंदर हम साइड कर देंगे, या हम इसकी जगह पे कुछ और आर्टिकल भी लगा सकते हैं, कोई और साइटेशन में लगा सकते हैं जिसके अंदर ये सेम बात की गई हो। रीफ्रेजिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। वो चीज़ें ये हैं कि आप कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको सिनोनिम नहीं लगा सकते। जैसे कंप्यूटिंग है, या ये क्लाउड का जो लफ्ज़ है इसको चेंज नहीं कर सकते, आप बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इनको चेंज नहीं कर सकते। अब जो चेंज कर सकते हैं, ये मेन का लफ्ज़ है, गोल्स हैं,
इस तरह के जो वर्ड्स हैं, आप अक्विपमेंट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, स्टाफ की जगह कोई और वर्ड्स आप लगा सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि रिफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं और इस पैरे को हम बहुत जल्द ऐसे पैरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ये कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये आप इसका मटेरियल जो है, जो टेक्स्ट है, आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से और किसी वर्ड की फाइल के अंदर आप ले जाएं या आप नोटपैड में ले जाएं और वहाँ पर जाके आप इसके अंदर जो रेफरेंसिंग आ रही है आप इसको जाके वहाँ से पहले रिमूव कर दें। इस साइटेशंस को आप रिमूव करें तो फिर ये आपके पास एक प्लेन पैरा बन जाएगा और उस पैरे को जो है हम translate.google.com में ले जाएंगे और फिर देखेंगे हम उसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ये हमारे पास translate.google.com.pk आ रही है वेबसाइट, इसके ऊपर चल जाएं आप। डिटेक्ट लैंग्वेज को आप सेलेक्ट रखें। गूगल ट्रांसलेट जो बेसिकली वेबसाइट है, ये चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होती है। तो आज हम देखते हैं किसके ज़रिए हम रिफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट है जिसको आपने कॉपी किया है वो आप यहाँ पर जाके पेस्ट कर दें और आप इसको दूसरी साइट के ऊपर, ये आपके पास टारगेट साइट है, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको ले जाएं। मैं इसको एग्जांपल के तौर के ऊपर स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ रही है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आ रही हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज को आप यहाँ से सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर इसको स्पेनिश रखता हूँ। ये अब इंग्लिश से स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेट हो गई है। अब यहाँ पर ये स्वैप का बटन आ रहा होता है, इसको आप स्वैप करें। तो स्वैप करके बाद आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर इसको लेके जाएंगे, एक और लैंग्वेज में लेके जाएंगे। तो जो दूसरी लैंग्वेज है, मैं यहाँ पर इटालियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इटालियन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप फिर इसको स्वैप करें। स्वैप करने के बाद हम इसको इंग्लिश के अंदर ले जाएंगे। तो ये हमने जो अपना एक पैरा था जो एक इंग्लिश में था, इंग्लिश से हम उसको स्पेनिश के अंदर ले गए और एक इटालियन लैंग्वेज के अंदर ले गए और दोबारा हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ले रहे हैं। अब ये जो पैरा है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और प्लेजरिज्म चेकर एक्स के अंदर जाकर देखेंगे कि ये इसे प्लेजरिज्म कितना रिमूव हुआ है। तो सबसे पहले हम प्लेजरिज्म चेकर में जाते हैं और देखते हैं कि प्लेजरिज्म कितना है। हम इस वक्त प्लेजरिज्म चेकर एक्स जो टूल है, अब इसके अंदर हम जाके सबसे पहले जो अपना सोर्स पैराग्राफ है जिसको हमने दो बार मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया है, पहले हम उसको चेक करते हैं। अंदर यहाँ पर पेस्ट किया और एनालाइज इट किया। अब जो रिजल्ट्स हैं ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो रेड कलर है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, क्योंकि ये ओरिजिनल पैराग्राफ है, ये नेट से उठाया हुआ है, तो इसके अंदर ये चीज़ आएगी। अब हम देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं कि वो पैराग्राफ जो हमने रिफ्रेस किया है, जिसको हम दो लैंग्वेज के अंदर घुमा के वापस लेके आए हैं इंग्लिश के अंदर, उसके रिजल्ट क्या आते हैं।
अब हम उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जाहिर है कि ये सामने नजर आ रहा है कि जो सिमिलरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है इसके अंदर। अब वो जो रेड है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। अब ये जो है जो 14% आ रहा है इसको, ये 12% आ रहा है, हम इसको भी क्लियर कर सकते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो बहुत अच्छा फीचर है वो आपके पास साइड बाय साइड कंपैरिजन का है, जिसके अंदर आप सोर्स और टारगेट जो पैराग्राफ है, जो रीफ्रेश करने से जो पहला पैराग्राफ था वो इसको इस तरफ ले आए, और जो रीफ्रेश किया है हमने पैराग्राफ उसको आप इस तरफ ले आए, और फिर हम इसको स्कैन पर लगाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि दोनों पैराग्राफ के दरमियान में डिफरेंस कितना है और सिमिलरिटी कितनी है। तो अभी मेरे पास टारगेट पैराग्राफ कॉपी है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ये रीफ्रेज पैराग्राफ है और ये मेरे पास सोर्स पैराग्राफ है, ये असल पैराग्राफ है, और ये जो मैंने इसको रीफ्रेज किया दो लैंग्वेजेस के अंदर घुमा के लेके आया, ये वो वाला पैराग्राफ है। अब इसको स्कैन पे लगाएं तो ताकि आपको पता चल सके कि दोनों पैराग्राफ के दरमियान में डिफरेंस कितना है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 40% ये यूनिक है और ये 60% जो है ये इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी आ रही है। अब गौर से देखेंगे आप तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ, तो यहाँ पर भी यही ये अल्फाज जो है रिपीट आ रहे हैं। जहां पर ये इस वक्त चार अल्फाज इकट्ठे आते हैं ये उसको रेड कर देगा। चार अल्फाज से नीचे तीन अल्फाज या दो अल्फाज अगर सेम उसी तरह के आते हैं इस साइड पे और इस साइड पे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जहां पे चार या उससे ज्यादा अल्फाज इस साइड के और इस साइड के आपस में मैच करेंगे वो आपके पास साइड जो है वो प्लेजरिज्म के अंदर या डुप्लीकेशन के अंदर आने शुरू हो जाएगी। तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप ये जो साइड है टारगेट है जिसको आपने रिफ्रेस किया है, ये आप इसको इसके अंदर जो अल्फाज हैं आप इन अल्फाज को आप चेंज करें ताकि जो है वो आपको ये जो डुप्लीकेशन है ये आपकी कम से कम हो सके। तो इसके लिए आप यहाँ से इसको चेंज करना शुरू करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका पास जो है, और स्कैन का बटन दबाते जाएं, इससे क्या होगा कि आपको उसी वक्त पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका जो टेक्स्ट है ये कितना आपके पास ओरिजिनल रह जाता है। मैं इसमें कुछ करता हूँ, कुछ चेंजिंग करता हूँ और फिर आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। तो तालिबिल्म आप देख सकते हैं कि अभी अब ये 53% यूनिक हो गया है 40% से, और 47% जो है वो डुप्लीकेट हो गया है। मैंने इसके अंदर कुछ पहले पैरे के अंदर कुछ चेंजिंग लेके आया हूँ। इसी तरह आप जो है वो सारे पैरे को पढ़ते जाएंगे और इधर से भी देखते जाएंगे कौन कौन से अल्फाज लिखे हुए हैं, और आप इसके अंदर चेंजिंग लेके आते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आप लेते आएंगे, ये आपके पास जो प्लेजरिज्म है इससे जो है वो कम होता जाएगा। अब इसका एक और वे भी होते हैं कि आप इस पैराग्राफ को जो है वो वर्ड के अंदर कॉपी करें ऊपर वाली साइड पे, इसको आप नीचे वाली साइड पे उसके नीचे आप इसको पेस्ट कर दें, और फिर आप दोनों पैराग्राफ्स को जो है वो कंपेयर करते जाएं।
तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि इसके दरमियान में डिफरेंस कितना आता जा रहा है। ये बात याद रखिएगा कि जो आपकी टारगेट साइट पे जो पैराग्राफ लगा होता है, इसके अंदर जितने भी कॉमे और फुल स्टॉप लगे होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है उनको ख़त्म कर देता है और ये एज ए उसको पूरा पैराग्राफ ही ट्रीट कर रहा होता है। इस साइड पे भी ख़त्म हो जाता है, इस साइड पे भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको जो असल में जहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा होता है, जहाँ पर लाइन एंड हो रही होती है, जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, वहाँ पर आपको साथ साथ फुल स्टॉप और कॉमे वगैरह आपने लगाते रहना है, ताकि यहाँ पर जो यहाँ से जब आप उसको कंपेयर करके आप उसको पूरा टेक्स्ट बना लेंगे, तो वो उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपकी पूरी पोजीशन के अंदर हों, कॉमे और उसके अंदर फुल स्टॉप जो है वो लगे हों। ये बात दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपके जहन के अंदर रहे कि अगर यहाँ पे जो है आप चेंजिंग करके आप पैराग्राफ के अंदर तो आप कॉपी करके लेके जाएंगे किसी जगह पे, तो यहाँ पे जो चीज़ होती है उसके कॉमे और फुल स्टॉप ख़त्म होते हैं, इस साइड पे भी कॉमे और फुल स्टॉप ख़त्म होते हैं। तो जब आप यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं और साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जब इसको कॉपी करें टेक्स्ट को और अपनी फाइल के अंदर लेके जाएं, तो उसके बाद आप फिर दोबारा एक एक चीज़ को, एक एक सेंटेंस को दोबारा आप पढ़ें और जहाँ पर कॉमे और फुल स्टॉप बनते हैं वो अपनी फाइल के अंदर आप उस टेक्स्ट के अंदर कॉमे और फुल स्टॉप लगा लें, ताकि जो है वो आपका पैरा जो है वो प्रॉपर जो है वो पैराग्राफ वो लगे। इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप साइड बाई साइड कंपेरिजन कर लेंगे दोनों साइड का, ये ओरिजिनल पैराग्राफ है और ये आपके पास दूसरी साइड के ऊपर जो वो पैराग्राफ जिसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, जब यहाँ पर बहुत ज़रा कम जो है लेवल कम हो जाएगा, तो डुप्लीकेशन लेवल कम हो जाएगा, तो फिर जो है वो आपका पैरा जो है वो उतना ज़्यादा यूनिक बनता जाएगा, उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऑनलाइन प्लेजरिज्म के अंदर जाके मैं इसको जाके पेस्ट करता हूँ और एनालाइज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, ये टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं। अब ये देखेंगे 0,0,0 शो कर रहा है, लेकिन आप साइड बाय साइड कंपैरिजन में जाकर देखेंगे कि ये इतना जो है वो आपके पास इसका डुप्लीकेशन आ रही है। तो यहाँ पर जो इसके रिजल्ट्स हैं, और इसी चीज़ को अगर मैं टर्न इट इन के ऊपर जाके चेक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा होता है। ये मैं आपको पहले भी बात अर्ज कर चुका हूँ कि जो प्लेजरम चेकर एक्स है ये आपको उतने हाई एक्यूरेटेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता जितना जो है वो आपके पास टर्न इट इन दे रहा होता है। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट चीज़ें हैं आपकी, किसी जगह से आप टेक्स्ट उठाते हैं और उसको लेके आते हैं, उसको रीफ्रेश करते हैं, तो रीफ्रेश करने के बाद सबसे पहले जो है आप अपने पूरे टेक्स्ट को रीड करें। रीफ्रेजिंग के दरमियान में कुछ अल्फाज बदल जाते हैं, कुछ पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। तो जब आप उसको दो लैंग्वेजेस के अंदर आप उसको घुमाएंगे और उसको दोबारा आप इंग्लिश के अंदर लेके आएंगे, तो कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ लाइंस हैं, उनके कुछ हो सकता है कि मीनिंग भी चेंज हो गए हों। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है, इसको गौर करना है। सबसे पहले जब आप उसको रीफ्रेज उसको कर लें दो लैंग्वेज के अंदर लेके आए, तो उस पैराग्राफ की जो है आप अंग्रेजी जो है वो इंग्लिश आप तो उसकी दोबारा पढ़ लें और उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो नोट कर लें कहाँ कहाँ पर फुल स्टॉप और कॉमे लगे हुए हैं। उसके बाद आप इस पैराग्राफ को साइड बाय साइड पे कंपैरिजन पे ले जाएं दोनों पैराग्राफ को, और उसके बाद जो आपके पास आ रहा है प्लेजरिज्म वो आप उसको साइड बाय साइड पे रख के चेक करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना परसेंट जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरह जो है वो आप इसको यहाँ पर इसको चीज़ों को आप चेंज करते जाएँ, अल्फाज को चेंज करें,
या आप नए अल्फाज इसके अंदर ऐड करें, या उसी जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है रेड के अंदर जो डुप्लीकेशन आ रही है, आप इसको अपने अल्फाज के अंदर लिख के आप इसको इस डुप्लीकेशन को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। और डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के बाद आपके पास जो पैराग्राफ बन जाएगा वो आपके पास एक यूनिक अल्फाज का पैराग्राफ बन जाएगा। उसकी अंग्रेजी को आप उसको चेक कर लें, उसको इंश्योर कर लें, आप ग्रामरली टूल यूज़ कर लें, कोई और इंग्लिश का जो है वो टूल यूज़ कर लें ऑनलाइन, उसकी पंक्चुएशन चेक कर लें। तो इस तरह जो है आप अपने जो आर्टिकल है उसमें से जो प्लेजरिज्म है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक और टूल है जिसके अंदर हम प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं, प्लेजरिज्म को मिनिमाइज कर सकते हैं, रीफ्रेजिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।